अब हम आते हैं मूवी के सेकंड पार्ट की तरफ, जब हम उन्हीं कैरेक्टर्स को देखते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था और वो अब जॉम्बीज को हंट करने में माहिर हो चुके थे। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जॉम्बीज भी काफ़ी टाइप के थे और यहाँ उन लोगों से उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उनमें पहले थे होमर जो कि बहुत बुद्धू थे और उनको मारने में आसानी थी। अब दूसरे थे हॉकिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जॉम्बीज अपने होस्ट को हासिल करने के लिए दूसरे होस्ट की आंखें भी निकाल सकते हैं और बहुत ही चालाकी से सिक्योरिटी सिस्टम को ओपन करके अपने शिकार को मार सकता है। और सबसे लास्ट में सबसे खतरनाक निंजास थे, इनके आने का किसी को पता नहीं चलता और बहुत ही डेंजरस थे। अब हम उन चारों में कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अब बहुत स्किल्ड हो गए थे और जॉम्बीज को मार रहे थे, कभी गन से कभी स्वॉर्ड से। अब उन्हें परेशानी नहीं थी, अब उन लोगों को हमें खाली व्हाइट हाउस में एक पीसफुल और एंजॉयमेंट वाली लाइफ गुजारते हुए देखते हैं। उनकी हर मॉर्निंग ऐसी होती कि जैसे कोई क्रिसमस मॉर्निंग हो, लेकिन यहाँ इस घर में रॉक खुश नहीं थी। वो अपने जैसे लोगों के साथ लाइफ गुजारना चाहती थी और अपनी आगे के लोगों के साथ मिलना जुलना चाहती थी। अब हम एक कोलंबस और विचिता को देखते हैं। अब कोलंबस विचिता को प्रपोज करता है पर वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और अगली सुबह विचिता और रॉक उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और अब उन्हें छोड़े हुए उनको एक मंथ हो गया था। अब यहाँ कोलंबस काफ़ी सैड था और तहसे और कोलंबस एक मॉल में जाते हैं। वहाँ तलहसे एक जॉम्बी को बहुत ही यूनिक तरीके से किल करता है और यहाँ पता चलता है कि तलहसे को जॉम्बीज किलर के बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन अब वो इन सब से थक चुका था। अब उसे जॉम्बीज किलर ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए था। अब यहाँ कोलंबस को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैडिसन था। अब कोलंबस उसे व्हाइट लाओ से आता है पर तलहसे को वो लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब रात उन्हें ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। जब कोलंबस और तलहसे जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर विचिता होती है। वो उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ विचिता बताती है कि रॉक किसी के साथ ग्रेसलैंड चली गई है और ये भी बताती है कि बाहर उनका सामना ऐसे जॉम्बी से हुआ जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। वो बताती है कि इसलिए कुछ वेपन्स चाहिए थे ताकि वो उनसे फाइट कर सके और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। अब विचिता कोलंबस को सॉरी कहती है इस तरह जाने के लिए, पर तभी वहाँ मैडिसन आ जाती है। विचिता उसे देखकर शॉक रह जाती है और अब विचिता को गुस्सा आता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। अब अगली मॉर्निंग वो तीनों और मैडिसन साथ में रॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में कुछ जॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं। कोलंबस समझदारी दिखाकर बस पर चढ़ जाता है और विचिता और तलहसे को जॉम्बी की लोकेशन बताता है और ताकि वो उसी डायरेक्शन में शूट करे, और वो ऐसा ही करते हैं। अब मैडिसन पर एक निंजा जॉम्बी अटैक करता है और कोलंबस उसे ऊपर से देख लेता है तो वो उसे शूट कर लेता है। अब वहाँ सारे जॉम्बीज मरने के बाद एक खतरनाक जॉम्बी बन जाते हैं जो बार बार शूट करने पर भी मुश्किल से मरा था। तलहसे उसे सुपर जॉम्बी को T-800 का नाम देता है। अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और तभी अचानक मैडिसन को कुछ होने लगता है, उस पर जॉम्बीज का वायरस आने लगता है तो उन्हें उसे कार से निकालना पड़ता है और कोलंबस को उसे शूट करना पड़ता है। अब वो लोग ग्रेसलैंड पहुंचते हैं पर यहाँ जब वो पहुंचते हैं तो वो हर जगह खाली होता है। वो आगे बढ़ते हैं पर परेशानी भी होती है। अब उन्हें रॉक की कार नज़र आती है, वो किसी होटल के बाहर पड़ी थी तो वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम नेविडा होता है। वो बताती है कि रॉक एक लड़के से साथ चली गई यहाँ से और अब वो एक नाइट उसी होटल में निकालते हैं और तलहसे और नेविडा की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब अगली मॉर्निंग उनकी स्टार्टिंग शोर से हुई थी क्योंकि उनकी कार पर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया था और वो नेविडा का ही दोस्त था। अब वो दोनों तलहसे और कोलंबस से काफ़ी रिजेंबल होते हैं, उन्हें यहाँ तक काफ़ी हरकतें भी मिलती हैं और ये सब कुछ हैरान कर देने वाला था। अब वो सारे होटल में बैठे इंजॉय करते हैं तभी वहाँ जॉम्बीज आ जाते हैं और नेविडा का फ्रेंड उनका अकेले ही सामना करता है, पर नेविडा देखती है कि उनके हाथ पर जॉम्बीज के बाइट के निशान हैं और वो दोनों सुपर जॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उन्हें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था पर वो लड़कियां भी उनकी हेल्प करती है। अब तलहसे एक जॉम्बी पर बड़ी सी स्टैचू लेकर मारता है और उसका सर से बॉडी अलग कर देता है और दूसरे को नेविडा शूट कर देती है। अब ये कारनामा तलहसा को बहुत अच्छा लगता है और उसे ये लगता है कि अब उसे जॉम्बी किलर ऑफ द अवार्ड मिल ही जाना चाहिए। तो कोलंबस बताता है कि अभी भी तुम पीछे हो, ये अवार्ड एक इटली के आदमी को मिला था, उसने बड़ी चालाकी से जॉम्बीज को स्टैचू की तरफ अट्रैक्ट किया और उन पर एक बिल्डिंग गिरा दी। अब वो लोग आगे बढ़े और बेबी लॉन के लिए, तभी उन्हें रास्ते में एक ट्रक मिलती है जिसमें उन्हें मैडिसन नज़र आती है। वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि मैडिसन को जॉम्बी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उसे पीनट एलर्जी थी। और बात रही गोली की तो कोलंबस ने उसे गोली मार ही नहीं थी। अब ये बात सुनकर सब हैरान
हैरान हो जाते हैं और विचित्रा थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब वो बेबीलोन पहुंचते हैं पर उन्हें अपने वेपन्स को बाहर ही छोड़ना था क्योंकि वो एक पीसफुल एरिया था। अब रॉक बहुत खुश हो जाती है और टेलहे से भी, क्योंकि वो रॉक को अपनी बेटी की तरह चाहता था। और अब टेलहे से अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है और किसी को बिना बताए वो वहां से चला जाता है। पर रास्ते में वो ज़ॉम्बीज को बेबीलोन की तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो वापस जाता है और आपको बताता है कि म्यूजिक और क्रैकर्स की आवाज़ की वजह से ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं। अब उनके पास वेपन्स भी नहीं होते। अब टेलहे से सबको बिना वेपन्स का प्लान बताता है और सबको अपने बचाने की ट्रेनिंग देता है। इसके साथ वो डीजल टंक की हेल्प से एक बॉम्ब बनाता है और हर तरफ वायर लगा देता है प्रोटेक्शन के लिए। अब ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, पर वो सुपर ज़ॉम्बीज थे तो फायर उनका कुछ भी नहीं कर पाती। अब वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जाते हैं तो वहां नेविडा आ जाती है और वो भी जोरदार एंट्री करती है और अपनी ट्रक के नीचे सारे ज़ॉम्बीज को कुचल देती है। अब वो सबको बचा भी लेती है पर आगे जाकर ट्रक उलट जाता है तो उनको निकलना पड़ता है और टेलहे से ऊपर की तरफ जाते हैं जहां सारे लोग होते हैं। अब वो रास्ते में सारी छोटी बड़ी चीज उन ज़ॉम्बीज पर फेंकता है ताकि ऊपर लोगों को थोड़ा टाइम मिल सके। अब ऊपर आकर टेलहसा एक चाल चलता है, वो रूफटॉप से जंप मारता है और कंस्ट्रक्शन वाले हक में लटक जाता है। अब सारे ज़ॉम्बीज लाइन भाग रहे होते हैं तो वो सारे नीचे गिर जाते हैं। अब लास्ट टू ज़ॉम्बीज टेलहसा को पकड़ लेते हैं, रॉक उन्हें शूट कर देती है और उसी गन से करती है जो टेलहसे ने उसे दी थी। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए वो उसे संभाल कर रखी थी। अब यहाँ एक और ज़ॉम्बी आता है और खुद की बिल्डिंग से कूद जाता है क्योंकि वो होमर ज़ॉम्बी था। अब विचित्रा भी कोलंबस का एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और नेविडा और टेलहसे भी साथ हो जाते हैं। अब मूवी के लास्ट में कोलंबस कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि हमें घर की नहीं साथ देने वाले साथी की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है।